सोलन में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, सैनिक कल्याण तथा बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अधिकारियों की जमकर क्लास ली। अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी योजनाओं को समय में पूरा करने के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने कहा कि अब किसी भी तरह से कोताही नहीं बरती जाएगी और कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार सोलन में किसी भी तरह का जल संकट नहीं आने दिया जाएगा और सोलन वासियों को गर्मियों के मौसम में किसी भी तरह की असुविधा नहीं झेलनी पड़ेगी। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जिला में जितने भी उठाऊ पेयजल योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन्हें सुचारू रूप से चलाया जाएगा और जिन योजनाओं पर काम चल रहा है उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी सोलन में जल संकट आता है तो पानी के टैंक को सप्लाई देकर जल संकट से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अधिकारी योजनाओं को समय पर पूरा नहीं करता है तो या कोई कोताही बरतता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज तो हमारे सामने जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन की वजह से जो एक गंभीर सूखे की स्थिति हुई है, हम उसका समाधान करने के लिए आज यहाँ पर बैठक हुई है और बैठक बड़े सार्थक रही है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा का सत्र चलने के बावजूद मुझे आदेश किए हैं कि आप सोलन जिला की बैठक करो और बैठक में अधिकारियों को निर्देश दो ताकि किसी प्रकार की समस्या किसी व्यक्ति को जो है वो पीने के पानी की तरफ से ना हो। एंकर की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम 99% पानी जो है वो पाइपों के माध्यम से देंगे। 1% जो है वो जहां किन्हीं कारणों से अगर पानी नहीं पहुंचेगा तब टैंकर लगाएंगे। अदरवाइज हमने आज निर्णय लिया है कि 99% जो है वो पानी वाटर सप्लाई स्कीमों से पानी देंगे। इस सिस्टम को 3 महीने में नहीं बर्बाद हुआ, इस सिस्टम पांच साल में जो सिस्टम बर्बाद हुआ है, हम इस सिस्टम को अब पटरी पे लाने पर लगे हुए हैं। इसमें समय लगेगा लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी जो है हर प्रकार की नई नई योजना जो है हिमाचल प्रदेश के लिए और विशेष करके आईपीएच विभाग को जो है लाने जा रहे हैं। ये मेरी जो आज की बैठक है ये किसी पार्टी से ऊपर उठ करके बैठक है। इसमें हमने किसी पार्टी विशेष को नहीं बुलाया गया है, इसमें तो हमने सबको बुलाया है कि जिसका योगदान हो सकता है वो यहाँ पर आए और आकर के अपना अपना योगदान दें।